अब लेके आते हैं दो एम्प्लॉय वाला या फिर ज्यादा एम्प्लॉय का। इसके बाद रहेगा लास्ट, और लास्ट हमारा खता। ठीक है, पहले एक एग्जांपल। चलिए सर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 100 एम्प्लॉई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने 100। ठीक है, और इसके बाद ईसॉप ईच एम्प्लॉय को हमने बोला कि 1000 मिलेंगे, हर एक एम्प्लॉय को 1000, यानी 100 व्यक्ति ऐसे एम्प्लॉय थे जिसके साथ डील हुई और हर किसी को बोला कि भैया 1000 1000 मिलेंगे। ओके चलिए, और टाइम रखा गया मान लेते हैं कितना माने कितना माने कितना माने 3 साल। ठीक है, मार्केट प्राइस मेरे शेयर्स का जो क्वोटेड प्राइस भी बोलते हैं इसको, मार्केट प्राइस को 200 रुपए, और मैंने आपको ऑफर कर दिया कितने का, जिसको हम एक्साइज प्राइस भी बोलते हैं, वो 120 रुपए, और मेरा इंट्रेंसिक प्राइस जो है यानी जो 180 का मेरा लॉस है। अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम आपसे पूछूं तो हमेशा फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का माइनस करके लेना, 190 रुपीज। ठीक है, तीन साल, ईयर वन, ईयर वन यहां से लेते हैं, ईयर टू, ईयर थ्री, इसके बाद 6 महीने का वक्त दिया जाएगा आपको शेयर्स को खरीदने का। तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा, जहां तक आपको समय लगाना है, उसे बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। कौन सा बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। जिस दिन डील डन हुआ उसे बोलेंगे वेस्टिंग डेट, और जो समय आपको दिया गया उसको बोलेंगे एक्साइज पीरियड। जिस दिन आप ले लोगे उसे बोलेंगे एक्साइज डेट। और बस अभी एक और पॉइंट आएगा, वो भी देख लेते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यहां पे 1000 के 1000 एम्प्लॉई, मतलब 100 के 100 एम्प्लॉई जो थे वो बोलते हैं हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमें चाहिए शेयर। ओके, दूसरे साल में बेचारे इसमें से 20 एम्प्लॉई भाग जाते हैं, 20 एम्प्लॉई चले गए, बोले कि हम नहीं लेंगे भाई 20 एम्प्लॉई, तो अब कितने को देना है हमें? सिर्फ 80 को देना है। तीसरे साल में जाते जाते यहां पे 60 एम्प्लॉई बोले हम लेंगे, बाकी चले गए। तो आप मुझे बताइए, यहां से लेके यहां तक जिस एम्प्लॉई ने एक्साइज नहीं किया, जिस एम्प्लॉई ने मना कर दिया नहीं लेंगे, उसे बोलते हैं अनवेस्टेड लैप्स, अनवेस्टेड, जिसने टाइम इस पे लगाया वो वेस्टिंग टाइम हो गया, और जो एम्प्लॉय पहले चले गया। अगर मैं यहां से बात करूं ना, तो अनवेस्टिंग जो है ना, अनवेस्टिंग आपका कितने है लैप्स? तो सर 20। और अगर इस डेट के बाद होता है तो उसे सिर्फ बोलते हैं वेस्टिंग लैप्स, क्योंकि इस डेट के बाद हमारे, मान लो बोलते हैं कि सिर्फ 60 बंदों ने ही बोला, तो यहां पे भी हमारा 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, यहां बोलेंगे वेस्टिंग लैप्स। यानी सर सिंपल सी बात है,
जो टाइम खरीदने के लिए बोला उसके बाद आप मना कर दोगे तो आपने टाइम तो वेस्ट कर दिया। वेस्ट करने के बाद लैप्स होगा, वेस्ट का मतलब समय बिताना। आप टाइम आया नहीं उससे पहले आप छोड़ के चले गए, बोले भाई हम नहीं लेंगे हम तो जा रहे हैं, तो वो होगा अनवेस्टिंग लैप्स। ठीक है, तो सर इसका क्या क्या समाधान है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सर ध्यान दीजिए, ये जो खर्चा है कितना खर्चा है सर, 190, 180 रुपए, 180 रुपए 3 साल के लिए रहेगा। ओके सर, 180 इंटू में कितने शेयर हैं, अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो 1000 और 10000 एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो देने का मेरा प्लानिंग चल रहा है ना, देखो 1000 इंटू में 100, 1 लाख, 180 पे 1 लाख एम्प्लॉय हो जाएंगे, टोटल 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे, तो टोटल हो गए। या मैं एक काम करूं 10 एम्प्लॉय कर दूं, नहीं चलो छोड़ो लिख देते हैं कोई बात नहीं, 1 करोड़ 80 लाख या 18 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। सर सर ये 1 करोड़ 80 लाख कितने सालों में नुकसान होगा, ऐसे केस में आप देखते जाइए, ऐसे केस में आप देखते जाइए। नहीं सर यही करेंगे, ईयर वन एक सौ अस्सी इंटू में 1 लाख, ये हो गया टोटल अमाउंट, पहले साल का चेक कर रहे हो तो इंटू में 1, कितने सालों के लिए डिवाइडेड बाय 3, तो कितने हो जाएंगे सर, तो कितने हो जाएंगे, मैं वहां पे भी कर सकता था लेकिन नहीं, 60 लाख, 60 लाख ईयर टू में सर 2 सालों में कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 180 इंटू 1 लाख इंटू में 2, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल टोटल कितना होगा 2 सालों में, तो सर दूसरे साल में तो 80 रहे ना, तो 80 रहे सेकंड ईयर के एम्प्लॉय में, यहां लिख देता हूं 80 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को 100 यानी सर 8000, 80000, ओ माय गॉड, 80 एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय को 1000, 80000, तो 180 इंटू में 80000, और कितने सालों के लिए सर 2 साल हो गया, अब दूसरा साल जा रहा है, डिवाइडेड बाय कितने टोटल साल, 3 साल, याद रखिएगा, अगर हम दूसरे साल चले गए तो ऊपर 2 रखना है, तीसरे साल चले गए तो ऊपर 3 रखना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ ईयर आएगा, 1.5 साल है तो नीचे 1.5 आ जाएगा, वैसे चलेंगे ठीक है, तो 180 इंटू में 80000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2, सर ये टोटल जो आ रहा है ना वो 96 लाख, लेकिन जिसमें से 60 लाख तो पहले कंपनसेशन, ये तो 2 सालों का हो गया ना, हमें हर साल का खर्चा दिखाना है, तो जिसमें से हमने पहले ही 60 लाख का ले लिया, तो इस साल जो मेरा रिकॉग्नाइज होगा, इस साल जो मेरा रिकॉग्नाइज होगा मात्र 36 लाख, कितने रिकॉग्नाइज होंगे, मात्र 36 लाख रुपया। ओके तीसरे साल कोई गया नहीं छोड़ के, वो लैप्स के बाद गया, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं है, यानी जब टाइम बीत गया उसके बाद तो हमें पता ही नहीं, हम तो ये मान के चलेंगे कि भैया 80 के 80000 जो पर्सन है वो तो शेयर लेगा ही लेगा, 80 के 80000 पर्सन जो है वो शेयर लेगा, यानी मैं यहां पे सोच रहा हूं कि सर 100, क्योंकि आगे का हमें पता नहीं है, तो हमने 100 के हिसाब से डिटरमाइन कर लिया, ये 100 एम्प्लॉई के हिसाब से है, ठीक है ना, 1 लाख ऐसे आए, आगे 80 है तो यहाँ 80 कर लिया, उससे आगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 31 मार्च तो पहले आ जाएगा, तो इसलिए 80 इंटू में 3 साल डिवाइडेड बाई 3, 180 इंटू में 80000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, तो 14,40,000 टोटल है, ये 14,40,000 जिसमें से 9,60,000 3, 60 और 6 पहले से माइनस हो चुका है, पहले से रिकॉर्ड हो चुका है, तो 96 लाख, तो ये अब इस साल जाएगा 48 लाख, सर इस साल कितने जाएंगे 48 लाख, तो ईयर वन में जो खर्चा बुक होगा वो होगा 6 लाख, ईयर टू में आपका 36 लाख, ईयर थ्री में 48 लाख, इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। चल सर ये इसका जर्नल एंट्री मैं एक करके दिखाऊंगा, दूसरे साल का तीसरे साल का जगह नहीं है, आपको प्रॉमिस करना है कि आप खुद से भी करेंगे इसके जर्नल एंट्री। पहली एंट्री एम्प्लॉई
कंपनसेशन एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सर कितना? 6 लाख। मैं इसी में कर रहा हूं, दूसरे साल में कितना जाएगा? अलग मार्कर बदल देते हैं, यहीं पे कर रहा हूं, तीनों हो जाएगा। दूसरे साल में कितना लिखोगे सर? दूसरे साल में सेम एंट्री करोगे, अमाउंट होगा 36 लाख। साहब ये 6 लाख नहीं है, 60 लाख। और एक जीरो बढ़ा देते हैं, सिंपल लिखो ना भाई, क्या कर रहे हो? हे भगवान, साठ लाख दूसरे साल के अंदर, 36 लाख तीसरे साल के अंदर, 48 लाख। आपको अलग अलग एंट्री करनी है मेरे भाई, पहले साल का ये, दूसरे साल का ग्रीन वाला और तीसरे साल का ब्लू वाला। ऐसे ही पीएनएल की भी अलग अलग साल अलग अलग डेट पे एंट्री करनी है। क्या करना है? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना है पहले, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, सर कितने हैं? अगेन वही, पहले में 60 लाख, दूसरे साल में 36 लाख, तीसरे साल में 48 लाख। ये बन गया पी एंड एल। अब बात आ गई शेयर्स को खरीदने का, तो लास्ट टाइम पे जो भी डेट दे रखा हो खरीदने का, खरीदेंगे। क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो सर अभी फिलहाल कितने लोग खरीदने के लिए तैयार है? 80, यानी 80,000 इंटू में 20 रुपए, तो 16 लाख। एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कर्जा हटा दूंगा मैं, कितना? जितनी बार आपने क्रेडिट किया उन सबको जोड़ लो, यानी सर कितना? सर टोटल 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 1,44,00,000, 1,44,00,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने सर? 80,000 इंटू 10, 8 लाख। ओ माई गॉड। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 80,000 इंटू 190, 80,000 इंटू 190, 1,52,00,000। ये लीजिए, ये डन हो गया। अब आपको बाद में पता चला कि ओहो गलती, एक मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस टाइम पे सिर्फ 60 एम्प्लॉय तैयार होते हैं कि हम खरीदेंगे, बाकी नहीं हो रहे, यानी आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद 60 तैयार हुए। तो अब जो मेरे पास बैंक में पैसे आएगा वो 60,000 के हिसाब से आएगा, ठीक है? किससे आएगा सर? 60,000, सब कुछ 60 से चलने वाला है। और यहां पे भी कितना होगा? 180, तो ये 12 लाख, ये 1,08,00,000, 80,000, ओहो 8 लाख, ये 6 लाख, और ये भी 60 से आएगा, ये आ जाएगा 1,14,00,000, ठीक है? ये आ गया। अब जो मेरे 20 थे ना, जो 20 एम्प्लॉय छोड़ के गए थे, उसके पैसे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो 20 एम्प्लॉय और 1,001 को ऑप्शन दिया गया था, ठीक है? तो 2,000 शेयर हो गए, और कितने का हमारा ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हमने एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया था? 180, यानी कितना ऐसा बर्डन था जो कि हम मान के चल रहे थे हमें देना है, उसको खत्म करना है यहाँ पे। तो चलिए सर, 2,000 × 180, दैट 2,000 × 360,000, ये क्या? एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग अकाउंट 360,000, और टू
में क्या करोगे, जनरल रिजर्व 3,60,000। अब समझना मेरी बात को, ठीक है सर। ये वाला अमाउंट बहुत बच्चों को चुभ सकता है, तो इस वाले अमाउंट का बोलूंगा जितने भी थे ना आपके शेयर लास्ट में एक्साइज होंगे, जितने शेयर बोलेंगे कि हम सर खरीदने के लिए तैयार हैं, जितने शेयर तैयार होंगे जितने शेयर होल्डर, उतने नंबर ऑफ शेयर्स और जितने का घाटा है उससे मल्टीप्लाई कर लेगा। प्रोपोर्शनेटली डालते हैं हम यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई करिए, सीधी बात है। ये डेबिट हो गया, आप अगर देखेंगे ना तो इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली वही डिजिट बनेगा जितना कि हमारा 200 पे बनेगा। आप चेक कर सकते हैं कितनी बार डेबिट हुआ, देखिए 10,80,000 और 3,60, 1,08,00,000 प्लस 360, तो ये बन रहा है 1,11,16,00,000। अब इन सबको आप जोड़िए, शायद 60,00,000, एक डिजिट मैंने इतना बड़ा ले लिया ना, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा आप, टोटल 14,40,000। ये 14,40,000 क्यों नहीं बन रहा भाया, 60,000। एक सौ अस्सी, 1,80,00,000 और 20 इंप्लॉय छोड़ के गए, 20,000 था ये गलत हो गया, 20 × 1,000 20,000 होगा तो 36,00,000, ठीक है वही मैं सोच रहा गलत कैसे आ सकता है। ये देखिए एग्जैक्टली सेम, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो 10 वहां पे एक्स्ट्रा हो गया, ये 20,000 होगा इंटू करेंगे तो यहां पे जितना बैंक में पैसा आएगा वो, और यहां पे क्या होगा जितने शेयर होल्डर एक्साइज करेंगे उसका जो लाइबिलिटी हर बार क्रिएट कर उसी नंबर से, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में, और एक्साइज पीरियड के बाद अगर कोई व्यक्ति ना ऐसा बोलता है कि हम नहीं लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उसके पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके खत्म करते हैं। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति मना करता है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हमने ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करके ही मैंने कंपनसेशन क्रिएट करा है, ना कि फुल अमाउंट क्रिएट करा है। तो ये था हमारा एक और एग्जाम्पल, और जो कि हमारे क्वेश्चंस में आएगा, मैं आपके बुक का ना 2B इलस्ट्रेशन नंबर 2B करा दूंगा अभी, और एक किताब वाला क्वेश्चन है वो तो मैं कराऊंगा ही, तो एक बार फटाफट नोट करिए फिर...